बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? आज आपके लिए फ्रेंच टोस्ट की रेसिपी है। बहुत ही इजी और बहुत आसानी से बनती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस रेसिपी के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें आपको 2 अंडे चाहिए, 3 चम्मच चीनी चाहिए, थोड़ा सा फूड कलर चाहिए येलो कलर में, और 1 पिंच आपको सॉल्ट की चाहिए, थोड़ा 2 चम्मच मेपल सिरप चाहिए, 4 स्लाइस, और 2 चम्मच या 3 चम्मच आपको दूध चाहिए। एक बाउल में 2 अंडे ले लें, उसमें 3 चम्मच आप चीनी डालें, और 1 पिंच जो आपने फूड कलर लिया था वो भी ऐड कर दें, और थोड़ी सी नमक, थोड़ा सा पैन में। अंडों को फेंट लें, फिर इसमें 2 से 3 चम्मच दूध डालकर फेंट लें। स्लाइस के किनारे काट लें। स्लाइस को अंडे में डिप कर लें। अंडे में डिप करके आप यहाँ प्लेस करें, और इसी तरह दूसरे स्लाइस को भी अंडे में डिप करके इसी स्लाइस के ऊपर प्लेस कर लें। और आपको इसी शेप में फ्राई करना है। चलें अब चलते हैं फ्राइंग की तरफ। में ऑयल डालें 2-3 चम्मच, और इसके बाद ये स्लाइस आप इसमें प्लेस कर लें। मेपल सिरप थोड़ा सा ब्रश पे लगा के ऊपर शाइन के लिए लगा लें।